सच देख रहा है बिहार, सब्सक्राइब करना ना भूले। अरवल से आजाद खान की रिपोर्ट। बिहार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन संघ के रविशंकर सिन्हा जी से हम बातचीत करेंगे। नहीं ठीक है सर, अमीन की बहाली मैट्रिक और इंटर परीक्षा पर ही हो जाती है, इस पर सर आपको क्या कहना है? देखिए, अमीन का पद जो है पूर्णतः तकनीकी पद है। कोई भी भूमि विवाद की समस्या का निराकरण तभी कोई अमीन कर सकता है जब वो अमानत का जो पाठ्यक्रम है, जो सरकार के यहाँ व्यवस्था है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या ITI जो पढ़ाई अमानत से संबंधित और सर्वेयर से संबंधित जो पढ़ाई की जाती है, वो पढ़ाई पढ़ने के बाद कोई भी अमीन व्यवहारिक प्रशिक्षण 1-2 साल प्राइवेट रूप से करते हैं और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वो अमानत के कार्य करने के लिए योग्य माने जाते हैं। और तब जब सरकार में कोई बहाली निकलती है अमीन के पद पर, तो वैसे अनुभवी अमीन अपनी डिग्री के साथ मैट्रिक और इंटरमीडिएट जो सरकार के द्वारा वांछित योग्यता के साथ अमानत की डिग्री के साथ वो अपना फॉर्म भरते हैं और उसका जब चयन होता है तो वो अनुभवी अमीन के रूप में गणना किए जाते हैं। आपको मैं बताऊं कि वर्ष 2011 से पहले कोई भी अमीन के पद पर बहाली होती थी तो उसमें अमानत का डिग्री अनिवार्य कर दिया गया था, अमानत का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। वर्ष 4/11/2011 को जो अमीन पद पर रिक्तियां थी उसके विरुद्ध जो संविदा पर अमीन की बहाली निकाली गई थी, तत्कालीन प्रधान सचिव श्री सी अशोक वर्धन साहब के आदेश से, उसमें अमीन पद के लिए मैट्रिक की डिग्री थी, उस पर मैट्रिक ही था और उसके बाद अमानत का प्रमाण पत्र का मांग किया गया था। उसके आधार पर जो अनुभवी अमीन थे, जो बंदोबस्त कार्यालय में या किसी विभाग में अनुभव प्राप्त अमीन थे, उनका बहाली किया गया। पूरे बिहार के 36 जिला में 312 पद की बहाली थी और लगभग 24 जिले में बहाली हुई, 240 अमीन की बहाली हुई और बहाली होने के बाद लोग काम कर रहे हैं। और आज 2011 से आज 2022 हो गया, ये 10 वर्षों से अधिक लोग सेवा दे रहे हैं। बीच में अमीन के नियमावली में व्यास जी जो प्रधान सचिव थे उस समय कुछ संशोधन किया गया, उसमें अमीन की डिग्री को हटा दिया गया था। पुनः हम लोगों के मांग करने पर अमीन की डिग्री को लाया गया, फिर किसी कारणवश अमीन की डिग्री को हटा दी गई और अब वर्तमान में सिर्फ मैट्रिक और इंटर पास लोगों को अमीन के पद के योग्य मानते हुए बहाली की जा रही है, जिसका हम लोग व्यावहारिक रूप से इसका विरोध करते हैं और सरकार से भी मांग करते हैं कि सरकार इसको गहनतापूर्वक सोचे। कोई इंटर पास व्यक्ति ही अमानत कर सकता है तो किसी भी कार्यालय में इंटर पास किरानी से लेकर सारे लोग होते हैं, क्यों वो क्या वो अमानत का कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अमानत का कार्य करने के लिए जब सरकार के यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, क्यों वो क्या वो अमानत का कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अमानत का कार्य करने के लिए जब सरकार के यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या निबंधित संस्थाओं में या ITI में अमानत का प्रशिक्षण, सर्वेयर का प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर कम से कम अमीन की बहाली करनी चाहिए, फिर सरकार उनको व्यवहारिक प्रशिक्षण एक साल का दे और उसके बाद वो जो काम करेंगे वो तकनीकी रूप से दक्ष माने जाएंगे और वो जो काम करेंगे वो भूमि विवाद का समस्या का बहुत अच्छी तरह से निराकरण कर सकते हैं, यही सरकार का उद्देश्य भी है। सर, मैट्रिक और इंटर जो पढ़े हुए साथी हैं, जो अमीन बन चुके हैं, अभी भूमि विवाद इतना है जो बिहार में नहीं निपटारा हो रहा है, इसका मुख्य एजेंडा सर क्या है? देखिए, भूमि विवाद की समस्या के निराकरण के लिए सरकार के साथ साथ सामाजिक सरोकार रखने वाले आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार बंधु और जो जमीन से संबंधित जिनका संबंध जुड़ा हुआ है उनको भी जागरूक होने की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिनको जमीन से सरोकार नहीं है। जमीन से संबंधित आपको भूमि की पैमाइश है, जमाबंदी है, दाखिल खारिज की समस्याएं हैं, परिमार्जन की समस्या है, इन सबको देखने की जरूरत है। जहाँ तक अमानत का सवाल है, इंटरमीडिएट या पास व्यक्ति, केवल इंटरमीडिएट पास व्यक्ति अमानत का कार्य नहीं कर सकता, उसके लिए अमानत का डिग्री होना अनिवार्य है और डिग्री के साथ अनुभव का भी होना अनिवार्य है। इसलिए हमारा बार बार यही कहना है कि अमीन के पद पर अमानत योग्यताधारी को ही बहाल किया जाए और ये सरकार के लिए और बिहार के आम आवाम के लिए लाभ होगा। सर, अभी पूरी बिहार में सर्वे चल रही है, जो अभी मैट्रिक इंटर ही किए हुए जो अमीन है वही सर्वे कर रहे हैं, सर इस पे आपको क्या करना है? देखिए, बिहार में जो सर्वे में कार्य हो रही है उसमें सरकार ने
अमीन के पद पर जो सर्वे अमीन है उनमें अमीन मैट्रिक और इंटर और अमानत का प्रमाण पत्र का मांग किया गया। दूसरी बात कि जो ऐसे समीन बाहर किए गए हैं वो सिविल डिप्लोमा से आते हैं। सिविल डिप्लोमा में अमानत का तो विशेष पढ़ाई नहीं है, सर्वेयर का है व्यवस्था, लेकिन अमानत की पढ़ाई के लिए उनके खतियान के बारे में जानना, खिसरा के बारे में जानना, तौजी के बारे में जानना, खाना नंबर, ये सब बहुत सी बातें हैं कैफियत, और उसके बाद बहुत फैसिलिटी को भी जानना जरूरी है, भिखारी रूप क्या है इसी को भी जानना जरूरी है। तो ये सब तो पढ़ाई पॉलिटेक्निक में नहीं की जाती है, ये सारी पढ़ाई पॉलिटेक्निक पर वो लोग अच्छा बिल्डिंग बना सकते हैं, अच्छा रोड बना सकते हैं। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं आपको मुझे आमंत्रित करने के लिए, मुझे अपने संघ की समस्याओं को रखने के लिए जो अवसर प्रदान किया गया है, मैं आपके न्यूज चैनल को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अमीन की जो समस्याएं हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचेगी, और उम्मीद है सरकार के कानों तक भी पहुँचे। सरकार विरोधी नहीं है, वो सरकार का ही काम कर रहे हैं और अपनी पूरी निष्ठा से सरकार काम कर रहे हैं, तो उनकी सेवा अगर सरकार नियमित करती है और पद सृजित है, पद आपके पास पद है 1767 अमीन का पद रिक्त है, आज के डेट में जिला उपसंवर्ग में 1767 पद अमीन का रिक्त है, और संविदा पर जो जिला उपसंवर्ग में कार्यरत है अमीन वो लगभग 200, भू अभिलेख परिमाप पे 250 अमीन, तो कुल मिलाकर अप्रोक्स आप मैक्सिमम 1000 अमीन काज कर रहे हैं, संविदा पर काज कर रहे हैं वो अनुभवी अमीन। ऐसे अमीन को सरकार को चाहिए कि अन्य विभाग के भांति उनका भी सेवा नियमित करें, और शेष पदों पर आधार है कि जैसे शिक्षा मित्रों का सेवा नियमित सरकार किया, ANM का सेवा नियमित कर रही है सरकार, या डॉक्टर लोगों का, ये जो भी स्वास्थ्य विभाग में हुआ, अन्य विभाग में जो हुआ है, तकनीकी योग्यताधारी हैं वो, उनके पास अनुभव है, उनकी सब पर अनुभव के आधार पर अमीन की डिग्री लेकर और अपना काम कर रहे हैं, वो अनुभवी हो गए हैं, उनको अनुभव के आधार पर सरकार उनकी सेवा को बिना शर्त, अनुभव को कोटिवार गणना करते हुए बिना शर्त उनकी सेवा, और हम उनसे गुजारिश भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अमीन को जो संविदा पर है उनको नियमित करें, शेष पदों पर नियमित बाहरी नियुक्त निकालें जो अनुभवी अमीन है। भूमि वाद की समस्या समाप्त होगी, और सरकार का जो उद्देश्य माननीय राजस्व मंत्री हमारे जो सपना देखे हैं कि बिहार को भूमि विवाद से मुक्त कर दिया जाए, बिहार के लोगों को लिए भूमि विवाद में नापी से संबंधित समस्याओं का निराकरण हो जाए, तो ये सफल होगा, यह तभी सफल, और हम उनसे गुजारिश भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अमीन को जो संविदा पर है उनको नियमित करें, शेष पदों पर नियमित बाहरी नियुक्त निकालें जो अनुभवी अमीन है। अमीन संघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि सिन्हा जी से।